दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भी हम लोग एक अच्छा चीज बनाना सीखेंगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज है। इसमें रिजल्ट जो आता है एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हम प्रैक्टिकली बनाएंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले दो चार बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों सेल्स तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे सेल तो करना है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारा कमेंट आता है, सर मार्केट का ये हाल है, कोई बात नहीं करता, ठीक है, ठीक से बिहेव नहीं करता है, ठीक है, ये सारे मैंने कमेंट आता है। उसके बाद एक कमेंट आता है, सर ये फॉर्मूला से ये अच्छा नहीं बन रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारा जो है ना ब्लेम आ जाता है कमेंट के थ्रू। तो एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं, ये जितना सारा ब्लेम है ना आप अपने ऊपर दे दीजिए, ठीक है, तो तरक्की होगा। बाकी आप अगर ब्लेम दूसरों के ऊपर देंगे, वो बात ठीक नहीं कर रहा है तो गलती किसका है, उसका है। ये जो फॉर्मूला है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब ठीक ठाक कर रहा हूं, फॉर्मूले में गलती है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, इसमें फायदा आपका ही होगा, ठीक है। सर सेल्स का सबसे बड़ा जो नियम है, पहले आपको क्या करना है, जिसको कुछ सेल करने जा रहे हैं शुरू में ही आप अगर अपना फायदे का बात करेंगे तो सामने वाला बंदा आपसे बात करने के लिए राजी नहीं होगा। शुरू में उसके साथ रिलेशनशिप जमाना है। दुनिया में जितना सारा बड़ा बड़ा सेल्समैन है, हर सेल्समैन पहले रिलेशनशिप जमाता है, उसके बाद सेल ऑटोमेटिक होता है। और एक बात है, रिलेशनशिप जमाने के बाद उसका क्या फायदा है, ये प्रोडक्ट लेने में या ये प्रोडक्ट बेचने में उसका क्या फायदा है, इसे आप अगर उसको समझा सकेंगे तो सेल जो है आसान हो जाता है। और आप गया, कोई रिलेशनशिप का बात ही नहीं किया, ठीक है, उसके साथ उसका परिवार का क्या हाल है, उसका मेंटली अभी उसका क्या प्रेशर चल रहा है, ये सब बातचीत नहीं किया और आपने जाके उसको डायरेक्ट बोल दिया कि ये बेचिए तो ये होगा, ये अच्छा है, ये नहीं जमेगा, ठीक है। अगर एक दुकान को पकड़ना है, दुकान के मालिक के साथ रिलेशनशिप जमाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम बिजनेस करना है, ठीक है, वो लाखों रुपया इन्वेस्ट करके वहां बैठा है और आप जाके अपना प्रोडक्ट जो है आप उसके दुकान से बेचने के लिए उसको बोलेंगे तो उसका एक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। पहला कदम होगा सेल्स का रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं जमा पाएंगे तो कभी सेल नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में कुछ अंतर हो ही सकता है, अगर रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट को बेचेगा ही बेचेगा, ठीक है। और एक बात है, उसका फायदा क्या है ये भी उसको समझाना है, ठीक है। तो ये जो सब सारा ब्लेम है, ये सारा ब्लेम जो है आप अपना अपने ऊपर ले लीजिए, ठीक है, और अंदर ही अंदर अपने अंदर में डुबकी लगाइए, लगा के सोचिए कैसे क्या करना है, सारा आंसर जो है आपके अंदर से ही आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक में आते हैं, आज हम रस्ट रिमूवर बनाना सीखें। बहुत ही अच्छा है, जस्ट स्प्रे कर देंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे और रस्ट जो है रिमूव हो जाने के बाद देखिएगा, कोई भी नट बोल्ट में रस्ट आ गया है, खुल नहीं रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का
आज हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मूवमेंट दोस्तों बनाने के लिए पांचों इंग्रेडिएंट का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले जो है आपको वाटर लेना है, आरओ वाटर या डिस्टिल वाटर, डीएम वाटर आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद लगेगा फॉस्फोरिक एसिड, पानी के समान माने एकदम सेम मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड ऐड करना है। इसके बाद ऐड करना है ब्यूटाइल ग्लाइकॉल, ब्यूटाइल ग्लाइकॉल। इसके बाद नोनाइल फेनॉल एक्सोलेट, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अभी ये जो है रस्ट रिमूवर तैयार हो चुका है, आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। कितना ज़्यादा जितना ज़्यादा ही जंग होना हो क्यों ना हो, ये एकदम अच्छा से साफ कर देगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कमर्शियल एकदम है ये। इतना अच्छा क्वालिटी का अगर मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दाम होता है, लेकिन इसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है। हाईली प्रॉफिटेबल, मोस्ट हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है ये। घर से ही शुरू कर सकते हैं, बस मिक्सिंग करके पैक कर लीजिए, पैक करके मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। एकदम 100% अच्छा क्वालिटी का कॉमर्शियल ये फॉर्मूला है। एकदम आँख बंद करके आप भरोसा करके ये प्रोडक्ट आप मार्केट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।